परियो तुम? तुम बच्चों के रूप में? तभी इस संडे की याद को मिटाने वाली छड़ी का तुम पर असर नहीं हो रहा। हाँ, और बड़ी ही आसानी से हम नहीं बल्कि तुम हमारी चाल में फंस गई हो नुकीली परी। तुम्हें क्या लगा था कि खेल सिर्फ तुम्हें ही खेलना आता है नुकीली परी? जब तक हम बच्चों के साथ हैं, हम तुम्हें उनसे उनके प्रिय संडे की याद नहीं छीनने देंगे। नुकीली परी जो एक बार ठान लेती है वो करके लेती है, इसीलिए इन बच्चों के दिमाग से मैं संडे की याद को मिटा कर रहूंगी। सच्चाई फैले तीनों लोक तक, ये बार जाए बीच में ही भटक। तुमने अपना वार कर लिया, अब हमारा वार सहो। मैं नुकीली परी से उसकी याद की जो छड़ी छीन लेती। सच्चाई में होती है शक्ति बड़ी, आ जाए मेरे पास ये छड़ी। इस समय समझदारी यहाँ से बचकर निकलने में ही होगी, वरना ये सब मुझसे ये याद खींचने वाली छड़ी छीन लेंगी। नुकीली परी! ये नुकीली परी तो इस बार हमसे बचकर भाग गई, लेकिन वो बच्चों को जरूर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए हमें हर पल बच्चों पे नजर रखनी होगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस बच्चे पे वार करने वाली है? अब सिर्फ चार ही बच्चे बाकी हैं, इसलिए मैं और भटकाती परी, मानव, सचिन और सलोनी के पास जाएंगे, और विषधार परी आप मोंटू के पास जाएंगे। ठीक है। मैंने बोला ना कि संडे होता है, होता है, होता है। मैंने बोला ना कि तू मोटा है, मोटा है, मोटा है। अरे बॉस, इसके कहने का मतलब है कि संडे नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ। पता नहीं तुम्हारी मेमोरी को क्या हो गया है। बॉस, हमारी मेमोरी को कुछ नहीं हुआ है, हमें अच्छी तरीके से याद है कि आप एक नंबर के मोटे हो और हाथी हो। हाँ बॉस, और वो आप ना स्कूल में हमेशा लास्ट आते हो और हर टीचर से डांट खाते रहते हो, बालवीर से मार खाते हो और हमको पिज्जा बर्गर खिलाते हो। हाँ। वैसे भी हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। कुछ भी संडे संडे करते रहते, चल मोटा कहीं का। सब बच्चों की तरह ये भी भूल गए कि संडे होता है, कैसे? नुकीली के नोक से तुम भी नहीं बच पाओगे, बस थोड़ी देर में संडे को तुम भी भूल जाओ। रोहित केवल भी भूल गए कि संडे होता है। अरे यार, कैसे भूल गए ये? क्या हुआ? अरे यार, वो ना मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रहा है?
वो ना। क्या हुआ? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ अलग ही देख लिया हो। कौन हो तुम? मैं हूँ जादूगर गोगी। तुम्हें उस अल्लू है? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ये देखो, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें उल्लू बनाना ना? देखो वहाँ पे बच्चे खेल रहे, तुम जाकर उन्हें उल्लू बना। मैं तुम्हें फिर कह रही, यकीन मानो इस बात पे कि मैं जादूगरनी हूँ और इसका एक नमूना मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अब एक बात बताओ, तुम्हें खाना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। ए मेरी जादुई अंगूठी, कर दे ऐसा कमाल कि यहाँ हो जाए धमाल, यहाँ इनके लिए आ जाए मिठाई। मिठाई? क्यों, अब हुआ यकीन तुम्हें? हाँ हाँ, बट पहले मुझे छुके उसे चेक करना है। करो। अरे ये तो असली है, खाके चेक कर सकता हूँ? कर लो। बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें सब धूप लग रही है? बहुत धूप है। तुम्हारे लिए छाता लाऊं? ए मेरी अंगूठी, कर दे ऐसा कमाल कि यहाँ हो जाए धमाल, इसके लिए छाता आ जाए। अरे वाह, लाओ। ये अंगूठी ना मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास होनी चाहिए थी। ये कौन है? तुम मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को नहीं जानती? मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को नहीं जानती? नहीं। वो मैं यू। हाँ, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। तो तुम्हें ये अंगूठी चाहिए? हाँ हाँ। तो ठीक है, ये लो। हाँ, लेके जादूगर गोगी अपनी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देती, तो इसलिए तुम्हें भी कोई चीज मुझे देनी पड़ेगी। तो ठीक है, बोलो क्या चाहिए। कॉमिक्स, वीडियो गेम, पिज्जा, अरे ये सारी चीजें तो मैं इस अंगूठी से भी ला सकती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये अंगूठी दे दो। ए, 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 पागल हो गए क्या? मैं तुम्हें अंगूठी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें ये अंगूठी मुझे नहीं देनी है तो ये अंगूठी भी भूल जाओ। बेवकूफ मत बन मोंटू। और ये जादुई अंगूठी मिल गई तो इस अंगूठी से पुराने वाली सेम टू सेम अंगूठी आ सकती है। एक मिनट। हाँ, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? हाँ। ले लो। लाओ लाओ लाओ, मुझे अंगूठी दो। चुप। पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही विशाल और घना भी है। अब मैं इसमें भयंकर परी को कहां ढूंढूं? पता नहीं और कितना समय लग जाएगा मुझे।
लेकिन चाहे जितना भी समय लग जाए मुझे भयंकर परी को ढूंढना ही होगा और संडे को बचाना होगा। खतरों पक्षी, कौन हो तुम? मैं हूं नुकीली परी, जिससे बचने के लिए बालवीर ने तुझे यह अंगूठी दी थी। बेवकूफ, मैं इडियट हूं, मैं गधा हूं, सब कुछ हूं। नुकीली परी, छोड़ दो मोंटू को। नुकीली के नोक में जो एक बार फंस जाता है वो फिर नहीं छूटता। तो ठीक है, मेरा वार अब मोंटू को बचाएगा। अब वार करने की बारी मेरी है। और पड़ाव पूरा। कहां हो बालवी? अपने बच्चों के प्यारे संडे को बचाने नहीं आओगे? वापस गिराना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस खाई में गिर गया तो पता नहीं आसमानी पर्वत को वापस चढ़ने में मुझे कितना समय लग जाएगा। बिचारी सलोनी, कब से संडे का इंतजार कर रही थी कि संडे आएगा और उसका बर्थडे भी आएगा, पर अब तो संडे गायब हो गया। चलो देखते हैं कि मंडे में कितने दिन बाकी है। 1, 2, 3, 4, 5 ओके, 5 दिन बाकी है मंडे के लिए। बालवीर ने संडे को बचा लिया है। संडे वापस आ गया।
सोने की जरूरत नहीं है। संडे नहीं आया है। अरे तू क्या बोल रही है, देख यहाँ पर संडे वापस आ गया। देख, अरे पुराने स्टाइल में संडे के साथ कैलेंडर मैंने बनाया ताकि मुझे मेरा बर्थडे संडे को ही दिखाई दे। क्या सलोनी, तू भी पूरा मूड खराब कर दिया। कहाँ जा रहा है? पानी पीने जा रहा हूँ। तू पानी पीने जा रहा है ना, तो कुछ खाने के लिए ले आना, बहुत भूख लगी है। हाँ बिस्किट लेकर आ। नहीं नहीं, और मम्मी ने जो खीर बनाई थी ना वो ले आना। नहीं बिस्किट, नहीं खीर, बिस्किट। एक मिनट, एक काम करो, तुम लोग लड़ो और मैं पानी पी के आता हूँ। नटखट परी, हम भी सचिन के साथ जाते हैं, उस नोकेली परी का कोई भरोसा नहीं, वो वहाँ भी आ सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भटकाती परी, आप जाइए सचिन पे नजर रखिए। हाँ। बस तीन बच्चे इस नुकीली के नोक से बचे और ये तो बहुत अच्छा है कि तीनों बच्चे मुझे इसी घर में मिल जाएंगे। अब मैं यहां से अपना काम पूरा करके ही जाऊंगी। काम है? अरे आज तो घर पे सिर्फ मैं और बच्चे, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे तो घर का सारा काम हमेशा मैं ही पूरा करती हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। कार्य तो नुकीली भी अपना अधूरा नहीं छोड़ती है और इस बात का घमंड मुझे है। मेरे कार्य को पूरा होने के लिए तुम्हारा बेहोश होना बहुत जरूरी था। हट्टा माजी फटकली, क्या खाना है इस पे भी बहस। मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है।